हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खास मटर मखनी की रेसिपी। मटर के हल्की हल्की मिठास जो मखनी की ग्रेवी में काफ़ी अच्छी लगती है, और इस मटर मखनी को हम 10 मिनट में बना सकते हैं और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें। तो सबसे पहले हम मखनी का मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें और इसमें 1 छोटा प्याज मोटा मोटा काट कर इसमें हम फ्राई करेंगे। और जब प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन होने लगे तब हम इसमें डालेंगे अदरक 1 इंच का टुकड़ा और 10-12 कलियां हैं लहसुन की, इसमें डाल लें और इसी के साथ फ्राई करें जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। और अब देखिए प्याज और ज़्यादा ब्राउन हो गया है और अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 1 बड़ा टमाटर, इसे भी मोटा मोटा काट कर डालें। अब इसमें 4 काजू को भी डालकर पकाएं। काजू कम ही मात्रा में डालना है इसलिए मैंने सिर्फ 4 डाले हैं, और आप भी 4 ही डालिए ताकि इसमें हल्का सा क्रीमिनेस आए। और इसमें थोड़ा नमक डालकर हम टमाटर को गलाएंगे। इसमें पानी नहीं ऐड करना है, ढक कर इसे पकने दीजिए और कुछ ही सेकेंड में ये टमाटर गल जाता है। और अभी ये देखिए हमारा टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। अब इसे जार में निकाल लें। अब कढ़ाई में जो मसाला लगा हुआ है 1 चम्मच पानी डालकर उसे भी निकाल लें, और इससे अधिक पानी इसमें नहीं डालेंगे और इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। इसी कढ़ाई में मैं फिर से पकाने वाली हूँ, तो इसको एक टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से साफ कर लें और इसमें 2 बड़े चम्मच फिर से तेल डालें और इसे गर्म होने दें। इसमें थोड़ा जीरा डालें और इसे स्प्लटर करने दें। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम बटर डालेंगे, और अब इसमें डालेंगे हींग 1/4 छोटा चम्मच। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेसन। बेसन डालने से मसाले में एक बाइंडिंग आती है अच्छी से, और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है बेसन की। फिर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालें इसमें। मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को भूनेंगे। इससे मसाले आपके जलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छा टेक्स्चर भी आता है मसाले का, और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। इसे थोड़ी देर भून लें, और जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा मसाला तो इसका तेल है ना बिल्कुल अलग हो जाएगा मसालों से, जैसा आप देख रहे हैं। अब इस समय हम डालेंगे जो प्याज और टमाटर हमने पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देंगे। जार में काफ़ी मसाला लगा हुआ है जैसा आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसे भी इसी में डालें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से और ढक कर 1/2 मिनट मसालों को हम पकने देंगे। वैसे भी ऑलरेडी हमारे मसाले सब पक चुके हैं, थोड़ा और पका लेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह से मसाला पक चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 कप हरा मटर, और इसमें थोड़ा सा नमक डालें बिल्कुल स्वाद के अनुसार, या टेस्ट कर सकते हैं ग्रेवी को आप, क्योंकि पहले हमने नमक डाला हुआ था। मिलाएं और अब इसको ढक कर हम मटर गलने तक पकाएंगे। पानी ऐड बिल्कुल भी ना करें, इसी में ये पक जाएगा। बीच बीच में इसे चलाते रहें, नहीं तो मसाला बॉटम में लग सकता है। और ताज़ा मटर 5-6 मिनट लेता है पकने में। और ये देखिए हमारा मटर तो पक चुका है, मसाले का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे मटर मखनी की। और इसका टेक्सचर देखिए पूरा मसाला लिपटा हुआ है मटर से, बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा है। और ये परफेक्ट है आपका मटर मखनी। गैस को बंद कर दें और इसमें आप धनिया पत्ता मिला लें। अब इसे आप निकाल लें सर्विंग बोल में। अभी ये हमारा मटर मखनी अधूरा है, अभी इसे हमें और अच्छा सा कलर देना है, बहुत अच्छी सी खुशबू और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है। तो अब इसमें हम लगाएंगे तड़का मक्खन का। तो 1 बड़ा चम्मच या जैसा आप चाहें 1 या 1.5 बड़ा चम्मच कर सकते हैं मक्खन को। इसे पिघला लें और गैस को बंद कर दें। जब ये मेल्ट हो जाए तब इसमें 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डाल लें, और इसे हम
हमारे मटर मखनी के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद इसका जो टेस्ट है, इसका जो टेक्सचर है और जो कलर है ना, काफ़ी बदल जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मक्खन की। और आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, नान के साथ सर्व करिए, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। और मटर का सीजन चल रहा है तो मटर मखनी तो बनना बनता ही है। आप इसे ज़रूर से घर पर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी मटर मखनी की रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।